मामले की जो शुरुआत है वो दरअसल आपने ही की थी, आपने याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद यह मामला पहुंचा है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में। अब 14 जून को जो बैठक होने वाली है, सबसे पहले संक्षेप में आप बता दीजिए अब स्टेटस है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब मैंने पिटीशन दाखिल किया पिछले साल तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप माइनॉरिटी कमीशन जाओ। माइनॉरिटी कमीशन मैंने अपना 25 पेज का एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उनको दिया, वो अभी तक स्टडी कर रहे थे। अब 14 जून को वो इसको फाइनली डिसाइड करेंगे कि 8 राज्यों में हिंदुओं का अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर हिंदुओं को मिलेगा तो किसको नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए जैसे लक्षद्वीप है, वहां 96% मुस्लिम है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं और 2% हिंदू हूँ वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। तो ये विषय ये भी आएगा 14 जून को कि अगर किसी को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा तो निश्चित रूप से अगर जो वहां मेजॉरिटी होगा उससे बाहर निकलेगा। तो ये सारा विषय 14 जून को डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, ये बताइए जरा, ये हिंदुओं की अनदेखी कब तक होती रहेगी इस देश में, कब तक सजा मिलती रहेगी हिंदू होने की? नहीं, हिंदू होने की सजा बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय अश्विनी जी गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को उनको जो है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के पास भेजा, उस पर सब कमेटी बनी है और सब कमेटी के समक्ष इनकी बात भी रखी जानी है और न्यायपूर्ण ढंग से जिन राज्यों में, जैसे भी एक आपके जो है जो पहले माजिद मेनन जी कह रहे थे, किसी मोहल्ले मोहल्ले की बात नहीं है, राज्य की बात है, किसी राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है और माइक्रो माइनॉरिटी के लेवल तक पहुंच गया है तो वहां पर उसको अल्पसंख्यक अधिकार मिलने चाहिए। जम्मू एवं कश्मीर में वो माइनॉरिटी तो उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर किसी को इस पर विचारपूर्वक, हर राजनीतिक दल को भी इस पर विचारपूर्वक बात रखनी चाहिए, ना कि जो है किसी प्रकार का हिंदू उत्पीड़न की या हिंदुओं के साथ भेदभाव बरतने की किसी प्रकार के तर्क को जो है बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी साहब, ये हिंदुओं के साथ आपको नहीं लगता भेदभाव हो रहा है? जो फायदा अगर मिल रहा है ईसाइयों को, मुस्लिमों को, सिखों को पूरे देश में अल्पसंख्यक होने के नाते, इन 8 राज्यों में अगर हिंदुओं की संख्या कम है तो उनका क्या ये अधिकार नहीं मारा जा रहा है? मीमांसा जी, मुझे पहले ये बताइए कि मुसलमानों को कहां फायदा मिल रहा है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जोगी तो धूल चाट रही है, रंगनाथन मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट धूल चाट रही है और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं ऐसी जिनका मैं जिक्र करूं तो आपको पता चलेगा मुसलमानों को तो कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। नौकरियों में उनका क्या हाल है वो देख लीजिए। जब बीजेपी साफ तौर से ये कहती है कि हम इनको टिकट भी नहीं देंगे तो फिर माइनॉरिटी की क्या पोजिशन हो सकती है हिन्दुस्तान में, आप खुद देख लीजिए। ये तो हमारा वोट अधिकार भी छीनने के लिए तैयार है। छोड़ दीजिए माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में तो हम हुए ना मौलाना रशीदी, जवाब इनको देना चाहिए। हर साल 20,000 अल्पसंख्यकों को टेक्निकल एजुकेशन में स्कॉलरशिप दी जाती है और 8 राज्यों में एक भी हिंदू को ये मिल नहीं रही है और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्या मिल रहा है? आप इनसे कहिए सच्चर कमेटी की सिफारिशात को मंजूर करा दें। मैंने जो आपसे सवाल पूछा है आप उसका जवाब दीजिए मौलाना साहब, उसका जवाब दीजिए आप मुझे। ये स्कॉलरशिप किसको मिल रही है, हिंदुओं को मिल रही है? बीजेपी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को नहीं, जो सच्चर कमेटी ये कहती है कि मुसलमान जो है दलित से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा है तो आप सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लागू करा दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, जरा बता दीजिए इनको कि मुसलमानों को कितना मिल रहा है और हिंदुओं को कितना मिल रहा है? एक बात नहीं, यहाँ पे मुसलमानों को टिकट भी नहीं मिल रहा है बैठे हैं, ये बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। दरअसल या तो मौलाना साहब को इस बात का इल्म ही नहीं है या मौलाना साहब इल्म होने के बाद भी जो है शुतुरमुर्गी जो है रवैया अपनाना चाहते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रघुनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट नहीं, आप हमें अल्पसंख्यक होने का बीजेपी पार्टी में मूल मुद्दा है कि जिन राज्यों में अल्पसंख्यक होने का दर्जा देंगे, जिन राज्यों में आप बीजेपी पार्टी में उनके साथ अल्पसंख्यकों वाला लाभ उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, मूल प्रश्न ये है। मौलाना रशीदी जी, बहुत मूलभूत बात है, आपको एक तो जानकारियां नहीं है, जैसे अभी आपको मीमांसा जी ने बताया कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 20,000 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को लाभ मिल रहा है, ये लाभ जो है जहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू है उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? बीजेपी आप मुझे लगता है कि जब बिना जानकारी लिए किसी बात पर ठीक से विमर्श सरकार के अंदर पार्टी के अंदर सच्चर और रघुनाथ मिश्रा की आप दर्जा दे दीजिए ना। कभी कभी ये नहीं कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप दुष्प्रचार मत करिए। मुझे पता है कि अलकायदा की तंजीमों से, चलिए हमारे साथ निष्करण सिंह भंडारे भी हैं और यहाँ पर जो कानूनी पहलू उसके साथ जुड़ा हुआ है वो समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। दो सेकंड निष्करण, मुझे बताइए आप एक ही देश में अल्पसंख्यक आबादी पर ये दो विधान अलग अलग कैसे हो सकते हैं?
अगर 8 राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है तो फिर उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपका एक तो ये हमारे देश की जजमेंट्स की और कॉन्स्टिट्यूशन की विडंबना है कि हम स्पेशल राइट्स देते हैं। विश्व भर में ये होता है कि मिनोरिटी के राइट्स मेजॉरिटी से कम नहीं होने चाहिए, वो बात समझ आती है। सामान्य राइट, मेजॉरिटी, मिनोरिटी, सामान्य राइट, यहां पे हम मिनोरिटी को स्पेशल राइट देते हैं जो मेजॉरिटी से ऊपर राइट्स हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। आप स्कूल खोल सकते हैं, उसके अंदर आरटीए ही नहीं लगेगी। आप अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं, उसके अंदर सरकारी इंटरफेरेंस नहीं होगी। अगर आप लार्जर स्केल पे कॉन्सेप्ट देखिए, यूनाइटेड नेशंस का भी देखिए, तो वहां पे गारंटी ये है कि मिनोरिटी को मेजॉरिटी से कम नहीं मिलेगा, पर यहां पे मिनोरिटी को मेजॉरिटी से ऊपर बैठ के मिलेगा। इस वजह से विवाद खड़ा होता है। अब जो आपका सवाल है उसके हिसाब से, अभी कहा किसी ने कि मिनोरिटी को कुछ मिलता नहीं है, सच्चर कमेटी नहीं हुई, ये नहीं हुई, तो इनको बोलिए कि ये एक स्टेटमेंट साइन कर दिए कि ये मिनोरिटी नहीं है आज से देश की, ये मेजॉरिटी है, और छोड़ दें अगर कुछ नहीं मिलता तो। पर ये नहीं छोड़ेंगे, ये उसके लिए लड़ेंगे। वैसे ही आमिर हैदर ज़ादी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जिन राज्यों में संख्या कम है हिंदुओं की, वहां पे उनको मिनोरिटी राइट्स मिलना चाहिए, और मुझे लगता है मिलेगा। सुन लीजिए, 8 राज्यों में अगर हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने के बाद देश की सारी समस्याओं का समाधान होता है तो मैं आज समर्थन करता हूं, दे दीजिए। लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, लोकसभा वाइज भी इसका आकलन हो जाना चाहिए। जहां मुसलमान 50% से ऊपर है उन सीटों को रिजर्व कर दीजिए, सब उन्हें जनरल पर रहने दीजिए। उन्हें आपने आरक्षित कर दिया, बैरिकेड लगा दिया। सुन लीजिए पहले भाई, सुन लीजिए, जहाँ जाएंगे गलत जाना चाहेंगे, जहाँ 56% मुसलमान है दूसरे राज्य में सड़कों पर उतर जाते हैं झंडा लेकर। अब हिंदुओं की बात हो रही है तो आप इसमें ऐड करना शुरू कर दीजिए। जेडी साहब पे आ गए, जेडी साहब हो गया क्या? मुस्लिम ये समझते नहीं हुआ ना, पंजाब यही वाला आप पर ज्यादा प्रभाव है। 140 सीट ऐसी है देश में, दलितों को जो हक मिला हुआ वो छीनना चाहते हैं बेसिकली। राजनीति में आई नहीं करके आपने अपनी बात रख दी। दलितों का हक छीनना चाहते हैं, सुरक्षित सुरक्षित सामान्य कर दीजिए। हम तो ये कहते हैं कि पंडितों को आप यानी नहीं पंडित छोड़िए, अब आप बात मत पर रखिए। ब्राह्मण आपने कहा, अभी कहा कि आपने अभी कहा कि दलितों के लिए जो सुरक्षित है वो जनरल कर दीजिए, वो ये लोग हैं वो जनरल कर दीजिए। आपने अभी दलितों के आरक्षण के अमीर हैदर ज़ैदी, यहाँ देखिए आप इस मामले को और कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, मुझे सिंप्लीफिकेशन चाहिए। अमीर हैदर ज़ैदी आप इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। दलितों वाली सीट आपको मिल जाए, दलितों को चुनाव लड़ने का हक भी नहीं मिले, दलितों को चुनाव लड़ने का हक ना मिले, ये आपने जनरल कर दिया। दलितों को चुनाव लड़ने का भी हक ना मिले। अमीर हैदर ज़ैदी आप सोच रहे हैं आप इस मामले को और कॉम्प्लिकेटेड बनाकर यहाँ पर आप इस डिबेट को डिलेट कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दो सेकेंड, आप सिंप्लीफाइड वे में मैंने एक बहुत बहुत ही वाजिब सवाल आपसे पूछा था, आप उसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। अल्पसंख्यक जो हैं अगर हिंदू अगर जिन राज्यों में, उन्हें वो सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप उसमें इफ्स एंड बट्स मत जोड़िए। यहाँ पर सवाल पूछा, मुसलमान 56% है, 60% वो सीट रिजर्व क्यों है? नहीं वो फिर मैंने जनरल पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड कि दलितों को जो सुरक्षित सीट है उन पर वापस चुनाव लड़ने का हक नहीं मिलना चाहिए। आपको कुछ नहीं, इनको चुनाव लड़ने का भी हक नहीं मिलना, वो भी छीन लिया गया। दलितों को भी फिर मतलब आप जनरल कैटेगरी में डाल दीजिए, आप जनरल कैटेगरी में डाल दीजिए। आप वही तो कह रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन जहां बिल्कुल स्पष्ट विरोध कर रहे हैं आप, उस सीट बिल्कुल स्पष्ट विरोध कर रहे हैं। 98% रिजर्व करेंगे फिर कहेंगे साहब साहब माइनॉरिटी को आप स्पष्ट विरोध कर रहे हैं, आमिर हैदर ज़ैदी 2 सेकंड, आप दूसरे पैनलिस्ट से भी मेरे पास कम से कम एक बार जाने दीजिए एक बार कि वो अपना कमेंट तो दे दें।
कमल हक साहब, आपको क्या लगता है 68% आबादी अगर मुस्लिमों की है, अल्पसंख्यक का दर्जा उन्हें हासिल है, लेकिन जो स्कॉलरशिप्स का ऐलान होता है, जो और फैसिलिटीज मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, हिंदुओं का हक नहीं बनता क्या उन पर? देखिए, इसका सबसे बड़ा एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है इस कानून की, जो एक सबसे बड़ी एक नेगेटिव जो इसकी एक पिक्चर है, वो आपको कश्मीर में नजर आएगी। कश्मीर में 69% मुस्लिम बहुसंख्यक पॉपुलेशन है, 30% माइनॉरिटीज हैं। दोनों तरीके से बहुसंख्यक मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिम्स का फायदा है। एंड द नेशनल मेन स्ट्रीम में वो माइनॉरिटी कमीशन के अंडर जितने भी स्कॉलरशिप्स, सीट्स, रिजर्वेशंस है, उसका फायदा उठाते हैं। और जब कश्मीर की बात आती है तो वहां पे बोलते हैं हम तो मेजॉरिटी है, इसलिए हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट की रिसोर्सेज का ऊपर हक बनता है। यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके दो तरीके से, दोनों तौर ओर से चपट आती है। ना तो वो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के अंडर कोई बेनिफिट उठा पाते और ना ही स्टेट में माइनॉरिटी होने से कोई उनका ये आ जाता है। लेकिन इससे पहले मैं इसके बाद में मतलब एक छोटा सा आपको एक इसका हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव देता हूं। ये आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि माइनॉरिटी कमीशन कुछ रिकमेंडेशंस कर रही है। आपको शायद जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको याद होगा, आज से 2 दशक पूर्व ताहिर मसूद नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी है, उनको स्टेट में माइनॉरिटी कमीशन करा जाए, उनको एक माइनॉरिटी डिक्लेयर करा जाए। उस टाइम पे ताहिर महमूद, उस टाइम पे भारत एनडीए वन की हुकूमत थी, और उन्होंने उस रिपोर्ट को टेबल के नीचे दबा के कहा था कि नहीं, जरूरत नहीं है। यहां तक कि आज यहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कोल का स्टेटमेंट की ओर इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां पे वो बोलते हैं कि कश्मीरी हिंदू तो नेशनल मेजॉरिटी है, उनको माइनॉरिटी पे कोई, माइनॉरिटी कमीशन या माइनॉरिटी फैसिलिटी पे कोई हक नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे एक पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, और चाहे वो कांग्रेस। सबसे वैलिड पॉइंट जो कमल हक साहब ने यहां पर उठाया है, प्रेम शुक्ला जी, ये स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की बात बहुत पहले हुई थी, लेकिन क्या हुआ और आपके और पीडीपी में कितने डिफरेंसेस हैं इसको लेकर, वो सब जानते हैं। नहीं, आपने आज ये भी देखा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू एवं कश्मीर के प्रवक्ता ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में हिंदू जो है उसको माइनॉरिटी है, उसको माइनॉरिटी का हक मिलना चाहिए। अभी आप शुक्ला जी, हुआ क्या उपाध्याय जी, भारतीय हुआ क्या, ये बताइए मुझे, वो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन कहां पर है जो है इस मामले में? उसकी आज अभी आपने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का आपने बयान भी सुना, आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि भाई इस पर सब कमेटी के समक्ष जो सुनवाई होनी है, सुनवाई होने के बाद उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, जो समुचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। ये कहा गया था प्रेम शुक्ला जी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में बैठे, कमल हक साहब, यही हुआ था ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि आप दोनों बैठिए और आप स्टेट माइनॉरिटी कमीशन जो है वो डिसाइड करेगी इसके बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, मुझे याद है, और उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर विधानसभा को इस बारे में कोई निर्देश नहीं दे सकते। ये हुआ था, मैं आपको बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट का एक एफिडेविट फाइल हुआ था, एफिडेविट फाइल, उपाध्याय जी यहाँ पे बैठे किन सेंस इस केस के साथ में डील कर रहे हैं, इनको ज्यादा नॉलेज होगी। उस एफिडेविट में साफ लिखा गया था कि आर्टिकल 370 है हमारे स्टेट में, आप दखल नहीं दे सकते, और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी सरकार का यहाँ पर लागू नहीं होता, ये बात कही गई। और वो एक सरकार स्टेट गवर्नमेंट का, जहाँ के बीजेपी सरकार की मतलब गठबंधन ऐसा नहीं है। मीमांसा, एक मिनट जरा मीमांसा, मैं 2 मिनट क्लियर कर देता हूँ। मुझे लगता है ये डिबेट कश्मीर स्पेसिफिक हो जाएगी, पूरा विषय आप जरा, इसको मामला आ रहा है इसमें पॉलिटिकल विल पता चल रही है, पॉलिटिकल विल नहीं, मैं कुछ और बता रहा हूँ जी, सिर्फ हितों की बात करने से बात नहीं बनेगी, आप दीजिए वो हित। मीमांसा, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप जरा देखो इस समस्या की जड़ कौन है। इस समस्या का बीज पड़ा 1993 में कांग्रेस ने डाला। 1993 के पहले भारत में ना कोई माइनॉरिटी था ना मेजॉरिटी था, हमारे हाथ में संविधान है, संविधान में कहीं एक शब्द नहीं लिखा है माइनॉरिटी कौन होगा। यह है माइनॉरिटी कमीशन, इसमें एक शब्द नहीं लिखा माइनॉरिटी कौन होगा। तो बिना माइनॉरिटी डिफाइन किए कि माइनॉरिटी कौन होगा, कितने परसेंट पॉपुलेशन वाला माइनॉरिटी होगा, क्या उसकी आय होगी, कैसा, कुछ नहीं, सिंपल कह दिया कि ये 5 भैया मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और ये लोग 5 लोग माइनॉरिटी है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लक्षद्वीप जैसे प्रदेश में जहां पे 96% मुस्लिम है, वो माइनॉरिटी हो गए, 2% वाले मेजॉरिटी हो गए। इसका जो सबसे ब्रॉडर है
या तो आप भारत में समय आ गया है कि जो इंटरनेशनल डिफिनीशन है, जो यूएन की डिफिनीशन है, यूएन डिफिनीशन क्या कहती है, एनी ग्रुप आर कम्युनिटी विच इज इनफीरियर इन पॉपुलेशन विच इज सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट। अब दिक्कत क्या हो रही है कि हमारे ये वामपंथी साथी ये कह रहे हैं, ये दिक्कत यहाँ पे हो रही है, 140 लोकसभा में हम बहुमत में है। अरे भैया 140 लोकसभा में अगर आप डोमिनेंट हो, 140 लोकसभा में आप डिसाइड करते हो कौन जीतेगा, फिर आप माइनॉरिटी कैसे हो गए, आप माइनॉरिटी कैसे हो गए, आपने साजिश उन्हें नहीं नहीं आपने साजिश संविधान में माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं होता, आपने साजिश रिजर्व कर दिया, संविधान में माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं होता, ये मुसलमान माइनॉरिटी कैसे हो गए, संविधान में मुसलमान माइनॉरिटी है, सुन लीजिए आप लोग क्या बात कर रहे हो, मैं माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, 140 सीटों में मुसलमान तो आप बहुमत में आप बोली माइनॉरिटी नहीं हूँ, रिजर्व नहीं है आप बोली माइनॉरिटी नहीं हूँ, आपको अपना वोट बैंक दिखाई देता है ना, मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, उसका हक दीजिए अल्पसंख्यक, उसके बाद बात करेंगे, आप अगर आप डोमिनेंट हो आप डिसाइड करोगे 140 सीट पे आपने बैरिकेड लगा दिया, उन्हें रिजर्व कर दिया, इस पूरी समस्या की जड़ कांग्रेस है, 60% आप ये बताओ 1993 के पहले क्या मुसलमान सुरक्षित नहीं थे, आपने उन्हें रिजर्व कर दिया 1993 में, जारी एक मिनट मौलाना रशीदी, एक सेकंड मौलाना रशीदी, एक मिनट मुसलमानों को कांग्रेस ने जोड़ा सेकंड, अपने आपको भारतीय नहीं मानते, आपको मुसलमान, आप अपने आप वहाँ पे आपने आप जब मेजोरिटी आपको मिलना चाहिए, इंडियन आपको 3% का जाल, सबसे बड़ी दिक्कत है, तोड़ रहा है अश्विनी जी, आप तोड़ रहे, दिस इज नॉट फेयर, और पैनल प्लीज आमिर हैदर सर एक शब्द बताए, क्यों गारंटी नहीं है, आप हर किसी को देश दो, आमिर हर किसी को देश दो, अरे आप कहते हो ये इजराइल के पुरवा पर ले जाते हैं, हमें बता दो सेकंड, या कोई मैं कैसे बता दूंगा, रिलैक्स, या कोई मेरे पीछे पीछे घूमोगे तो क्या, आप कुरान वाले को तुम कहते हो, अब्दुल कलाम, दो सेकंड, दो सेकंड, तकबात की श्रेणी, अब्दुल कलाम को मानते नहीं, याकूब मैन को मानते हैं, बिना पपे आप याकूब मैन को मानते नहीं, आप शक्ल ठीक करो, आता हूं आप शक्ल ठीक करो, पहले आप तो मानते हो, ये तुम दिमाग में बोला करो, आप जोग्राफी में शक्ल ठीक करो, याकूब मैन के पीछे पीछे घूमोगे उसे मानते हो, अफजल गुरु को अपना गुरु मानते हो, अफजल गुरु को मानते हो, आप कहाँ लेके जा रहे हैं डिबेट को पूरा, एक्षिक। ऐसे कोई फायदा नहीं है ये डिबेट करने का, अरे इनकी समस्या चीन के तलवे चाटते रहे आप, दो सेकंड, दो सेकंड, प्लीज रिलैक्स, रोजे के अंदर मुझे पकड़ रहे हो, नहीं बात रखिए, अफजल गुरु को क्यों मानते हो, आमिर हैदर जैदी सर, मैं नहीं मानता हूँ, नहीं मैं ये डिबेट का स्टॉप करना चाहते हैं, प्रज्ञा किसकी आदर्श है, इनकी समस्या है, साध्वी प्रज्ञा किसकी आदर्श है, स्वामी ऐसी मदद कौन मानता है, स्वामी ऐसी मदद कौन मानता है, अरे सारे आतंकवाद, आपके पास एक भी लॉजिक नहीं है, मेरे पास लॉजिक नहीं है, दो सेकंड, कश्मीर चले गए, ये खड़े होने का क्या मतलब है, आपके साथ ये खड़े होने का क्या मतलब है, ये खड़े होने का मतलब लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है, आपके पास लॉजिक नहीं है, दो सेकंड अश्विनी जी प्लीज, मौलाना रशीदी साहब मुझे आप एक बात बताइए, आप 17 राज्यों में अगर फायदा हो रहा है, अगर सुविधाएं मिल रही हैं मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को अगर मिलती है, इतनी दिक्कत स्टूडियो में आप देख रहे हैं, मतलब डिबेट हो रही है, आप चर्चा कर रहे हैं, आप
कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आप इतने देश में आ जाते हैं कि आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये दिखाता है कि आप इस देश में रहते हैं, आप इस देश के नागरिक पहले हैं। मुसलमानों को मार के समंदर में डलवा दो, बाद में आता है। मना किया समझने की है, सुनिए दो तीन बातें समझने की हैं। आप दो तीन बातें समझ लीजिए। हुकूक इंसानी का जो आलमी मंशूर है, यानी जो 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 यूनिवर्सल कानून है, उसमें उसकी दफा उसमें 1948 और 1966 की जो दो दस्तावेज हैं, उसमें इस बात का ऐलान किया गया है कि सारे इंसान हुकूक के एतबार से बिल्कुल बराबर हैं। उनमें किसी के साथ कोई नस्ली बर्ताव, कोई मजहबी बर्ताव, कोई किसी तरह का बर्ताव नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान के दस्तूर में दफा 15 और दफा 16 में तमाम रियासतों को यह कहा गया है कि आप किसी भी आदमी सारी जानकारी आपको इल्म है तो फिर लेकिन सवाल ये है प्रॉब्लम यहीं पर ही है ना। पहले मुसलमान होने का जो नुकसान हमें मिल रहा है उसको आप कैसे संविधान में तो क्यों कर रहे हैं? अरे उपाध्याय जी आप वकील हैं, मुझे तो आप वकील हैं, आप वकील हैं, दिखा दो मुसलमान संविधान में लिखा हुआ दलितों के लिए है, दलितों के लिए धर्म के आधार पर नहीं है। धर्म के आधार पहले बंटवारा हो चुका हक छीन के दिया है सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान के और कुछ नहीं। मीमांसा जी, जी, जी अगर ये उपाध्याय जी चुप हो तो मैं दो मिनट के लिए बोल लूं। जब भी मुखालिफ थे आज भी थे। मीमांसा जी मुझे दो मिनट के लिए रहेंगे फिर तो डिबेट में क्या है? फिर तो मोनोलॉग कर लेते हैं आप और मैं बैठ जाते हैं और आप ही के सुनते रहेंगे दर्शक, यही चाहते हैं आप। गलत देश को गलत तस्वीर दिखाना चाहते हैं। मौलाना रशीदी रमजान जी आपका टाइम पूरा हो चुका है, आपका टाइम पूरा हो चुका है। ये हिंदू राष्ट्र और क्या है? हिंदू पीड़ित दो सेकंड हो रहा है। जैदी साहब अब आपने सबका टाइम ले लिया। अरे इनकी आवाज भी तो बंद कर सकते हैं आप। मीमांसा जी इनकी आवाज बंद कीजिए ना दोनों की। मीमांसा दो सेकंड में आ रही हूँ। मौलाना रशीदी जल्दी से अपनी बात रखिए। 30 सेकंड में आपको दे रही हूं। मैं उपाध्याय जी से दो तीन बातें पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, वो बताएं इसमें कहां गलत है। पढ़कर मत सुनाइए, आज पढ़कर मत सुनाइए। सीधा सा सवाल है, सीधा सा सवाल है। ये संविधान को समझने और फिर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसको भी बताएंगे भैया। फिर आप आज की ये वकील है, कैसे वकील है मुझे बताएंगे? बीजेपी के वकील ने इतना जरूर बताया मुझे। सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने बोला 2000 हिंदू या नहीं है, उन्हें ये मिलना चाहिए अधिकार या नहीं मिलना चाहिए? बहुत सीधा सा सवाल है, जवाब दे दीजिए आप, हाँ या ना में। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी मोर टाइम नाउ। आप मैं ये चुप होंगे तभी जवाब दूंगा ना मैं। ये उपाध्याय जी जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं ये चुप होंगे तो जवाब दूंगा मैं। आपको मौका दे तो रहे हैं, बोलिए ना। नहीं कहां दे रहे हैं, फिर बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मुझे बताइए आईन में संविधान में जो भी मुसलमानों को हुकूक दिए गए हैं क्या बीजेपी सरकार मुसलमानों को वो हुकूक दे रही है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जैसे मैंने पहले कहा है, इनको चाहिए था सबसे पहले बैठते ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कराते, उनकी सिफारिश को लागू कराते। आपने तो बैठते ही ये कह दिया कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों का टिकट नहीं चाहिए, तो आप कौन से माइनॉरिटी की बात करते हैं? आप क्या चाहते हैं? संविधान में लिखा है कि जाति नहीं, नहीं, नहीं। आप मुझे ये बताइए, आप क्या सिर्फ नफरत की राजनीति करने के लिए हिंदुस्तान में आए हैं? कोई आरक्षण होगा? अरे आप क्या सिर्फ नफरत की राजनीति करने के लिए हिंदुस्तान में आए हैं? धर्म के खिलाफ है, तमाम इंसानों का हुकूक यहाँ बराबर है, चाहे वो मजहब के एतबार से, नस्ल के एतबार से, किसी भी तरह से अलग हो, लेकिन उसके हक बराबर है।
अब धार्मिक आधार पे कोई बंटवारे का संविधान की हवा भी नहीं है। आप ये आप बताओ तो कहीं ना कहीं बीजेपी में ऊंचा पद लेने के लिए दुनिया भर की चीजें कोर्ट में ले जाकर पेश कर रहे हैं, जहां कहीं 2% है, कहीं 3% है, आपने कुछ वक्त पहले हलाला को पेश कर दिया, उनको दर्जा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये कहने में आप इतना टाइम लगा रहे हैं। हलाला के नाम पर आपको मुंह की खानी पड़ी है, आपको पता है, पता चल गया मौलाना रशीदी साहब, आप कुछ नहीं करना चाहते, आपको सिर्फ सुखी में रहना है। आपकी ये है कि मुझे मिलता रहे लेकिन दूसरे को ना मिले, सीधी फिलॉसफी ये है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो अरे कहाँ मिल रहा है मुझे, बताइए कहाँ मिल रहा है मुझे, अरे आपसे बोला नहीं जा रहा मैंने बोल दिया, बताइए प्राइम मिनिस्टर का 15 करोड़ के नाम पर जो करोड़ों रुपया आता है वो मुसलमान को नहीं मिलता, आपको इंटर कॉलेज वजीफा मिल रहा है, आपको इंजीनियरिंग मेडिकल में वजीफा मिल रहा है, आप तो वाली बात कर रहे हैं कि मन भर जाए ही नहीं, कितना दे मिला ऑप्शन के नाम पे आता वो मुझे, अरे भैया 10 लाख रुपए मिलता है इंजीनियरिंग करने के लिए, शर्तें लगा दी जाती है कि मुसलमान का पहुंच मदद से बड़ा थोड़ी मिलेगा। 2 सेकंड अवनी जी, क्या बात कर रहे हैं आप, 1 सेकंड आपको नहीं मिल रहा तो ये अलीगढ़ की दुनिया में चिल्ला चिल्ला के आप क्या विचार है कि मुसलमान को हिंदुस्तान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आपका क्या विचार है, कौन सा दर्जा प्राप्त है उसको, कौन सा दर्जा प्राप्त है, कौन सा दर्जा प्राप्त है उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, कौन सा दर्जा प्राप्त है, कौन सा दर्जा प्राप्त है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कौन सा दर्जा प्राप्त है, और सबसे खतरनाक माइनोरिटी दर्जा सामने आई है, सबसे खतरनाक बात ये सामने आई है, आमिर हैदर जैसे आप जामिया मिल्लिया का हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई लेना नहीं, आप हिंदुस्तान के नागरिकों से लेना देना नहीं, उनकी चाहते हैं, उनकी जड़ें जब दिए वहां पे अरब यूनिवर्सिटीज हैं इनको भी आप छीनना चाहते हैं आज मजे की बात देखिए, अभी रशीदी साहब एक्सपोज हो गए, रशीदी साहब एक्सपोज हो गए, अभी उन्होंने कहा हमें मिल क्या रहा है, और जब मैंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो मिल रहा वो भी छीन रहे हैं आप, बनाई तो आपको तो कुछ मिल नहीं रहा, जब आपको कुछ मिल नहीं रहा है, जब आपको कुछ मिल नहीं रहा तो छीन क्या लेंगे, जब आपको कुछ मिला ही नहीं तो छीनेंगे क्या, छीनेंगे क्या, भारत में माइनॉरिटी मेजोरिटी खत्म हो रही है, सबका विकास लागू होगा, आप सीधे बोलो भारत में ना कोई माइनॉरिटी ना कोई मेजोरिटी, सबको सब बराबर चाहते हो, आप ये बोलो गरीब गरीब होता है ना मुसलमान गरीब है हिंदू, आप 3% ब्राह्मण देश के आमिर हैदर जैदी, कमल हक साहब, मैं आमिर साहब की इस बात से बेहद इसका खंडन कर मतलब इनका विरोध करता हूं कि ब्राह्मण नासूर बने हैं। आमिर साहब आपके दाएं ओर एक कश्मीरी ब्राह्मण बैठा है जिसने पिछले 70 सालों में मेजोरिटेरियनिज्म में सफर होते हुए भी प्रॉस्पर करा है। आज आपने हमारे को वतन से निकाला, अपने स्टेट से निकाला, 30 साल से हम भटक रहे हैं, लेकिन लेकिन मेजोरिटेरियनिज्म ना जो जिनके लिए आप 140 जिनके लिए आप 140 लोकसभा सीटें मांग रहे हैं उन्होंने हमें निकाला, जिनके लिए आपके मेजोरिटी मांग रहे हैं उन्होंने निकाला, उन्होंने हमें निकाला, और हमने कश्मीरी ब्राह्मण ने कंट्रीब्यूट करा है इस देश में, नासूर नहीं है, अगर नासूर कोई है इस देश के लिए वो कश्मीर के मेजोरिटेरियनिज्म है, जिनके लिए आप लड़ते लड़ाई जगह जगह खड़े रहते हैं, उनके लिए आप रोहिंग्या आप भाई दे पा रहे हैं, हमने कंट्रीब्यूट करा है इस देश के लिए, हम कंट्रीब्यूट करते हैं, आप रोहिंग्या के साथ उनको जिनको देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात कर रहे हैं वो नासूर है इस देश के लिए, उनके लिए आप नहीं बात कर सकते, उनके लिए आप नहीं बोल कर सकते हैं, आप रमजान का 5 महीने चल रहा है, रमजान का 5 महीने चल रहा है, रोहिंग्या के साथ बोल रहा हूँ, भारत बना दिया जाए, जो अगर आपको इतनी मिर्ची लग रही है आप राज्यों में दर्जा देने से सीधे बोलो 2 सेकंड कोई माइनॉरिटी मेजोरिटी नहीं होगा, 2 सेकंड केवल लोग भारतीय रहेंगे ना, माइनॉरिटी मेजोरिटी आप बोलो समर्थन, अश्विनी जी 2 सेकंड, इश्करण जी मैं आपके पास आ रही हूँ, यहाँ हो हल्ला में कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, तर्क अपने रखिए, दलीलें अपने दीजिए कि क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तरीका नहीं होता डिबेट करने का। इश्करण जी मुझे जरा ये समझाइए कि ये तो यहाँ कोहराम मचा ही हुआ है, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अब तरीका इसका होगा क्या,
ये डिसाइड कौन करेगा? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज करेगा? संविधान में क्योंकि 6 समुदाय हैं जिनको ये हक मिला हुआ है, अल्पसंख्यक दर्जा मिला हुआ है, लेकिन ये किस तरीके से है? ये इंडिया स्पेसिफिक यानी कि कंट्री स्पेसिफिक होगा या स्टेट स्पेसिफिक भी हो सकता है? क्योंकि कैसे आप तय करेंगे कि कौन माइनॉरिटी में है, ये तय कौन करेगा? आपने इतने शोर के बाद मुख्य सवाल ये पूछा है कि कोई भी चीज का हम जिसका लाभ दे रहे हैं उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? माइनॉरिटी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ना जब ये एक्ट लेके आए तब डिफाइन किया। पहले इनको ये डिफाइन करना पड़ेगा माइनॉरिटी है क्या। अगर तो माइनॉरिटी ये मांगो जो आप स्टेट वाइज है, हमारा क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के हाथ में है, लैंड स्टेट के हाथ में है, सारी जो राज्य की पावर्स हैं वो स्टेट के हाथ में है, तो माइनॉरिटी की डेफिनेशन तो स्टेट के हिसाब से ही होनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर जजमेंट्स भी हैं। सो अगर आप स्टेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं माइनॉरिटी की डेफिनेशन तो वैसे ही बात खत्म हो जाती है। 8 प्रांतों में जहां पे हिंदुओं की संख्या कम है उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा डेफिनेशन ये आते ही। अगर लड़ाई ये होगी कि डेफिनेशन नेशनली डिफाइन करें तो उसमें सवाल ये आएगा किस लेवल तक आप मिनोरिटी रहेंगे। 2% पॉपुलेशन में हैं आप, 4% हैं, 10% हैं, 15% में भी मिनोरिटी रहेंगे। 10% जो हमारे देश की आबादी है वो 12 करोड़ आदमी बन जाता है, वो बहुत देशों की आबादी से बड़ा है, तो क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भी आप मिनोरिटी मानेंगे? तो सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि मिनोरिटी की डेफिनेशन क्या होगी। कोई ये फतवा नहीं इशू कर सकते ये चार लोग मिनोरिटी हैं, ये डिफाइन कौन करेगा और कैसे होगा? क्योंकि देखिए अभी जो गेंद है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, यही बोल है ना, उसके बाद अब ये तय करना कि माइनॉरिटी कौन होगा, स्टेट वाइज डिसाइड होगा या कैसे होगा, अब ये समझना यहाँ पर ये पेच है। मीमांसा रिजेक्ट नहीं किया था, मुझे बोला था आप माइनॉरिटी कमीशन जाओ, इसलिए मैं गया और वहाँ से नहीं मिला। सबसे बड़ी बात ये माइनॉरिटी डिफाइन है, अगर करेंगे अगर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती, अगर हमारे संविधान को माइनॉरिटी डिफाइन है, हमेशा यूएन का जो कन्वेंशन है, जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन, उसको अडॉप्ट करते हैं। यूएन कन्वेंशन कहता है कि 2% से ज्यादा कोई भी पॉपुलेशन माइनॉरिटी नहीं हो सकती है, तो ये अब या तो हम उसको अडॉप्ट कर ले या तो सबसे बेस्ट यही है कि अगर हम नहीं डिफाइन कर पा रहे तो जो यूएन का रेजोल्यूशन है जिसमें बहुत साफ साफ कहा गया सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड लेस देन 2%, तो जो 2% से कम है वो माइनॉरिटी है, जो 2% ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलिए प्रेम शुक्ला जी मुझे ये बताइए, अगर ये स्टेट वाइज ऐसा है भाई साहब, जो माइनॉरिटी का तस्वीर है, आराम से अपनी बात रखिए प्लीज, ऐसा ही है। आपको यूएन का डेफिनेशन नहीं पता, यूएन डेफिनेशन यही है। अच्छा प्रेम शुक्ला जी एक बार बताइए आप मुझे, क्योंकि अभी जो इंटरिम रिपोर्ट है उसमें कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये स्टेट्स पर छोड़ा जाएगा। दो सेकेंड, मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी से है। प्रेम शुक्ला जी, अभी जो इंटरिम रिपोर्ट आ रही है उसमें संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि स्टेट्स को ये क्लासिफाई करना होगा कि माइनॉरिटी स्टेटस किसको दिया जाए, जो माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन है वो राज्य सरकारों को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके तो 20 राज्यों में सरकार है और जिन 8 राज्यों की बात हो रही है उनमें से 6 राज्यों में आपकी सरकार है, तो आपका स्टैंड अप क्या होगा? जी निश्चित तौर पर देखिए, जैसे जातियों के संदर्भ में जब आरक्षण की बात होती है तो जो जाति उत्तर प्रदेश में आरक्षण की सूची में है वही जाति महाराष्ट्र में आरक्षण की सूची में नहीं होती है। उसका वहां जो सामाजिक स्टेटस है, वहां उसका जो संख्या, जिस तरह का कामकाज है उसके आधार पर निर्धारित होता है। उसी तरह से माइनॉरिटीज का जो संख्या है उसके आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों की सरकारों निर्धारित करना चाहिए और इसी तरह का निर्धारण होना चाहिए, इस मत के हम लोग हैं। लेकिन इसमें तर्कसम्मत बहस होने की बजाय अभी आपके चैनल पर दो लोग जो है जो माइनॉरिटी के पक्ष में बात, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के जो डिफाइन, आजकल का जो अल्पसंख्यक समुदाय जो 1993 के बाद वाला है, उसके जो समर्थक दो हैं वो तर्कसम्मत बातें करने की बजाय सिर्फ जो है शोरगुल मचा रहे हैं। जबकि दूसरे पक्ष में आप देखिए, चाहे इसकरण भंडारी जी हो, चाहे कमल जी हो, चाहे अश्विनी जी हो, वो तर्कसम्मत बातें कर रहे हैं। तो ये तर्क के आधार पर मुझे लगता है एक विमर्श होना चाहिए, बल्कि यहां शोरगुल मचाकर जिस तरह से जयदी जी ने आज कहा कि भाई एकदम इन्होंने तो मुस्लिम लीग की जो मांग थी उस मांग को आज दोहराया, तो मुझे तो लगने लगा कि आप साम्यवादी दल की बजाय मुस्लिम लीग की आपके अंदर प्रवेश कर बनी जाए। इस तरह से अलगाववादी भाषा बोलने की बजाय न्याय की भाषा हमको बोलनी चाहिए, और यदि अन्याय हिंदुओं पर हो रहा है तो उस अन्याय का शमन होना चाहिए, ये आपकी भाषा होनी चाहिए। लेकिन आपकी वो भाषा नहीं है, आपकी भाषा जैसे सज्जाद जी अलगाववाद का जो मैनिफेस्टो लिख रहे थे उसी तरह से आप जयदी जी ने इस चर्चा में अलगाववाद का जो है प्रलाप किया।
न्याय की बात नहीं थी, न्याय सम्मत बात नहीं थी, पिछड़े कोई तार्किक बात नहीं थी, बहुत दुखद है। और आपका जो मुखौटा है बेनकाब हुआ हो, आप निजी है, आपकी आपके आदर्श जो है मार्क्स नहीं हो सकते हैं, ये आपके आदर्श जिन्ना है, ये बेनकाब हुए आज आप जयदी साहब। आप अफजल गुरु को चेला हुआ मक्का मस्जिद के धमाका करने वाले, आप हो समझौता एक्सप्रेस में धमाका करने वाले, आप हो फिर ये कहते हो क्या हो पाकिस्तान को बचा रहे हो समझौता एक्सप्रेस में धमाका तुमने किया, पाकिस्तान के लोगों ने किया, पाकिस्तान खुद मानता है कि हमने किया, धमाका तुमने किया, बैश बेकरी में धमाका तुमने किया, पाकिस्तान के लोग कहां पहुंच गए हैं, कहां पहुंच गए हैं, इनका मुख्य मुद्दा पाकिस्तान को बचाना है। अरे भाई साहब पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, ये दूसरों को बता जी जिन्नावादी हो गए हैं, फायर चल रहा है लेकिन ये गोला